हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। सो स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। देखिए, सबसे पहले ये डेट में यहाँ पे एक गलती हो गई है। ये यहाँ पे 3rd of September होगा, ठीक है। सो ये करंट अफेयर्स 3rd of September के हैं। सो बेसिकली टुडे इज 3rd of September और 3rd of September के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बड़ा थैंक्स। आप सब ने मेरी इस जर्नी पर आपने मुझे फॉलो किया और बेसिकली मुझे भी अच्छा लगता है आप सभी को करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। आप सभी के पास से जब कमेंट्स आते हैं मुझे तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है और इसी से मुझे एक डेडिकेशन मिलती है। इट्स इनकरेज मी टू कंटिन्यू समथिंग दैट कीप्स मी एंगेज टू मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। और 1000 सब्सक्राइबर्स बाकी यूट्यूबर्स के कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, बट फिर भी इट मेक्स मी स्माइल। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हाल ही में किसने होम उत्सव शुरू किया है, होम उत्सव शुरू करने की घोषणा की है? देखिए, हाल ही में ICICI बैंक ने शुरू किया है होम उत्सव। क्या है होम उत्सव? ICICI बैंक ने होम उत्सव शुरू करने की घोषणा की है। यह एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी है जो देश भर के प्रमुख शहरों के प्रसिद्ध डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन करेगी, ठीक है। इट्स लाइक एन एग्जीबिशन, ठीक है। यह ICICI बैंक ने शुरू किया है, ठीक है। और ये ग्राहकों और गैर ग्राहक सभी के लिए उपलब्ध है, ठीक है। सो ये न्यूज़ थी ICICI बैंक से, ठीक है। सो जैसे कि आप सभी को पता होता है कि हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं। तो हाल ही में हमने डिस्कस करा ICICI बैंक को, अब हम डिस्कस करेंगे भारतीय बैंक, BCCI और कॉग्निजेंट। क्या है ये सब और क्यों है ये ऑप्शन में, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निजेंट की। तो देखिए कॉग्निजेंट है क्या? कॉग्निजेंट करेगा 10वां मैग्नीट्यूड का अधिग्रहण, ठीक है। सो कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉरपोरेशन ने शिकागो में स्थित 10वीं मैग्नीट्यूड का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया है। 10वीं मैग्नीट्यूड एक क्लाउड विशेषज्ञ फर्म है। क्या है? क्लाउड विशेषज्ञ फर्म है जो विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर केंद्रित है। सौदे के समापन पर 10वीं मैग्नीट्यूड के एज्योर विशेषज्ञ कॉग्निजेंट में माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस ग्रुप के हिस्से के रूप में शामिल होंगे और 3 तिमाही में लेन देन समाप्त होने की उम्मीद है। सो ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन था BCCI। तो देखिए BCCI द्वारा IPL का आधिकारिक भागीदारी बना क्रेड। तो देखिए भरोसेमंद व्यक्तियों, व्यापारियों और संस्थानों का एक डिजिटल समुदाय क्रेड इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का आधिकारिक भागीदारी बन गया है। कंपनी और BCCI के बीच 3 साल का सौदा 19 सितंबर 2020 को UAE में IPL के नवीनतम स्तर के साथ शुरू होगा। और कुणाल शाह, कौन? कुणाल शाह क्रेड के संस्थापक और CEO हैं। इसी के साथ करें बात भारतीय बैंक की। ऑप्शन में था भारतीय बैंक। तो देखिए भारतीय बैंक ने 5 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है। इंडियन बैंक ने अपने 1 साल के कार्यकाल के लिए फंड आधारित उधार दर MCLR को सीमांत लागत में 5 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है। बैंक ने 3 सितंबर 2020 से प्रभावी 1 साल के कार्यकाल के लिए MCLR को 5 आधार अंकों से घटाकर 7.30% करने का निर्णय लिया है। और MSME को दिए गए सभी नए खुदरा ऋण, आवास, खुदरा ऋण में किस किस को शामिल कर सकते हो आप? आवास के लिए ऋण, शिक्षा के लिए जो ऋण दिया जाता है, वाहन के लिए जो ऋण दिया जाता है, अब LLR से जुड़े हैं, ठीक है, RLLR से, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करा और उसके बाद हमने इसके सारे ऑप्शंस को डिस्कस करा। तो ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे बाकी के सारे क्वेश्चंस को। सो देखें, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में एवक सरकार को नियुक्त किया गया। आइए डिटेल में बात करते हैं। सॉरी, देखिए
एवेक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, अमेरिटस के संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष एवेक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। सरकार के चुनाव को पीटीआई के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और उन्हें पंजाब केसरी समूह के अखबारों के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लिया है। तो इनसे पहले कौन थे उनके स्थान पर? विजय चोपड़ा, और विजय चोपड़ा का स्थान इन्होंने ले लिया है। वह पेंगुइन बुक्स के भारतीय समक्ष पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंधक निदेशक थे। ठीक है, सो अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं। तो देखिए सीबीडीटी हमारे पास ऑप्शन में है प्रमोद चंद्र मोदी। तो देखिए सीबीडीटी के अध्यक्ष को 6 महीने का विस्तार मिला। कौन है ये? सीबीडीटी के अध्यक्ष थे, इनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो प्रमोद चंद्र मोदी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फरवरी 2021 तक 6 महीने तक का विस्तार दिया गया है। और ये कौन है? ये 1900 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर स्वर्ग के अधिकारी पीसी मोदी को फरवरी 2019 में सीबीडीटी प्रमुख नियुक्त किया गया था। उन्हें अगस्त 2019 में 1 वर्ष के लिए 31 अगस्त 2020 तक पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, लेकिन 31 अगस्त तो अभी जा चुका है, उनको रिटायरमेंट नहीं दी गई है, उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हेमंत खत्री जी का। तो हेमंत खत्री जी कौन है? तो देखिए हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड के CMD। देखिए जो हेमंत खत्री है उन्होंने रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। खत्री अभी हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड में निदेशक मतलब रणनीतिक परियोजनाएं थे, और INS सिंधुवीर के सामान्य परिशोधन के प्रभारी थे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है राजीव कुमार। तो इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हुए हैं। राजीव कुमार 1984 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। देखिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, और एक और चीज़, हमारे वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है 5 क्वेश्चन का, तो वो टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है, वीडियो पूरी देखिएगा और वो टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करना है आप सबको। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। 2021 में पहले साइकिल सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? तो पहले साइकिल सम्मेलन का आयोजन करेगा CFI। अब CFI आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ आपको CFI क्या होता है। तो देखिए तो CFI की फुल फॉर्म होती है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और करनी भी चाहिए, COVID-19 में वैसे साइकिलिंग ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, CFI ने शिखर सम्मेलन के लिए एक मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन फर्म और कंटार्क्टिका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर करेंगे। गॉट इट? तो हाल ही में हमने डिस्कस करा CFI को, अब हम डिस्कस करेंगे CIL, USISPF और CSTO। अब बोलोगे सर ये सब तो क्या है, ये सब भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ हैं। देखिए मैं समझाता हूँ, जैसे CFI को समझाया वैसे ये भी समझेंगे आप। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं CIL की। तो सबसे पहले तो CIL की फुल फॉर्म जान लीजिए आप, कोल इंडिया लिमिटेड। क्या है फुल फॉर्म? कोल इंडिया लिमिटेड। तो देखिए कोल इंडिया लिमिटेड लगभग 1.22 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। तो देखिए कोल इंडिया लिमिटेड लगभग 500 परियोजनाओं के विकास पर 1.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। परियोजनाएं देश में कोयला निकासी, बुनियादी ढांचे, परियोजना विकास, अन्वेषण और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी से संबंधित है।
बेसिकली जो हमारे इंडिया का टारगेट है वो है निवेश का लक्ष्य भारत को कोयले के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है और 2023 से 24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल करना है। तो ये न्यूज़ थी हमारी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में था हमारे पास USISPF। तो आपको US तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन ISPF समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या होती है फुल फॉर्म? सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, तो देखिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फॉर्म। आगे फुल फॉर्म समझ में, US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। देखिए नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 सितंबर 2020 को US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फॉर्म के तीसरे नेतृत्व शिखर सम्मेलन के मुख्य भाषण देंगे। इस शिखर सम्मेलन का शीर्षक US इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस है, ठीक है। थीम क्या है इसकी? US इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस, ठीक है। और यह व्यापार और निवेश, रणनीतिक ऊर्जा संबंधों, फिनटेक, हेल्थ केयर, प्रौद्योगिकी आदि में सहयोग सहित भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है। आइए फिर बात करते हैं, हमारे पास ऑप्शन में है रक्षा मंत्रालय। तो देखिए रक्षा मंत्री 3 दिन से रूस की यात्रा पर गए हुए हैं। 2 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को के लिए रवाना हुए हैं। वह रूस के रक्षा मंत्री जनरल सेर्जे, रूस के रक्षा मंत्री कौन है? जनरल सेर्जे सोइन के निमंत्रण का मॉस्को का दौरा कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4th, जिसको हम पर्सन इन द न्यूज़ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो देखिए CRPF के श्रीनगर के सेक्टर की प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो CRPF के श्रीनगर सेक्टर की प्रमुख हाल ही में चारू सेना को नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। देखिए चारू सेना CRPF श्रीनगर सेक्टर की प्रमुख बनी है। पहली बार महिला IPS अधिकारी चारू सेना को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में से एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल श्रीनगर सेक्टर की महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। चारू सेना 1996 बैच के तेलंगाना कैडर की एक IPS अधिकारी है। श्रीनगर सेक्टर की बात करें तो ब्रीन निशांत श्रीनगर में स्थित है और इसने 2005 में कार्य करना शुरू किया था। तो हमारे पास ऑप्शन में है मैथ्यू हेडन। हाल ही में हमने डिस्कस करा चारू सेना को, तो अब बारी है हमारे ऑप्शंस की। तो देखिए मैथ्यू हेडन कौन है? भारत में व्यापार दूत, मतलब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिक लिसा सिंह को भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है। 31 अगस्त 2020 को ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में 3 नई नियुक्तियों की घोषणा की गई थी। देखिए अशोक जेकब को अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया और उनके साथ बोर्ड में 3 सदस्य शामिल होंगे। सो मैथ्यू हेडन के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन में थे शंभू एस कुमारन। तो देखिए शंभू एस कुमारन माइक्रोनेशिया, क्या माइक्रोनेशिया पलाऊ के अगले राजदूत बन गए हैं। शंभू एस कुमारन को फेडरेट स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया और पलाऊ गणराज्य के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है। 1995 बैच के IFS अधिकारी कुमारन वर्तमान में फिलीपींस गणराज्य में भारत के राजदूत रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले कुमारन ने मोरक्को के साम्राज्य में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया है, तो अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड हैं। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5th, हाल ही में 2580 करोड़ का सौदा किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने किया है। किसके लिए किया है? आइए डिटेल में जान लेते हैं। देखिए रक्षा मंत्रालय ने 2580 करोड़ रुपए की लागत से 6 सेना रेजिमेंटों के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चरों को खरीद के लिए 2 प्रमुख घरेलू रक्षा बड़ी कंपनियों के साथ समझौता किया है। पता चल गया पिनाका रॉकेट लॉन्चरों की खरीद के लिए, ठीक है। सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों और बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा पर पिनाका रेजिमेंट को तैनात किया जाएगा।
जैसे कि आपको पता है, अब हमारी बारी आती है करंट अफेयर्स के ऑप्शंस की। तो देखिए, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक 30 अगस्त 2020 को दो छोटे पिगीबैक उपग्रहों के साथ अर्जेंटीना के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। तीनों में कैप कैनबेरल एयरफोर्स स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से उड़ान भरी है। एक उपयोग किए गए टू स्टेज फॉल्कन 9 रॉकेट साकोम SAOCOM 1B उपग्रह को ऊपर ले गया, जिसके साथ कंपनी ने 2020 के 15वें लॉन्च को चिन्हित किया है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में है सक्सीड। तो देखिए, इंडोवेशन की ने सेबी के साथ पंजीकृत किया एक फंड। तो सक्सीड इंडोवेशन फंड को बाजार नियामक सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, से श्रेणी AIF में एंजल फंड के रूप में लाइसेंस प्राप्त हुआ है। 100 करोड़ रुपए के फंड को सक्रिय निवेशकों अकाओ के एक समूह द्वारा प्रायोजित किया गया है, ताकि टेक इनोवेशन का भाषण किया जा सके और आम जनता की समस्याओं को सुलझाने में लगे शुरुआती स्टेज टेक स्टार्टअप को समर्थन दिया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में है वेदांता या फिर SBI। तो देखिए, SBI हमारे पास ऑप्शन में। तो देखिए, वेदांता और SBI में करार हुआ है। वेदांता लिमिटेड ने 10,000 करोड़ रुपए की लंबी अवधि के सिंडिकेटेड ऋण सुविधा के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ करार किया है। सिंडिकेटेड ऋण ऋणदाताओं के एक समूह द्वारा दिया जाता है, जो एक बड़े ऋणकर्ता को क्रेडिट प्रदान करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में है CGF। CGF है क्या? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF के सदस्य के रूप में फिर शामिल हुआ मालदीव। तो देखिए, CGF ने घोषणा की है कि मालदीव, ये अगले क्वेश्चन का ऑप्शन आ चुका है, हम गलती से अगले क्वेश्चन के ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं, बट कर लेते हैं अब, ठीक है। तो देखिए, तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने घोषणा की है कि मालदीव राष्ट्रमंडल खेल संघ के सदस्यों में से एक के रूप में फिर से शामिल किया गया है। मालदीव ने गोल्ड कोस्ट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है, और अगस्त 2020 में 71 राष्ट्रमंडल खेल संघों CGA के एक वोट में मालदीव को पुनः प्रवेश के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनस की प्रतिमा कौन सा देश स्थापित करेगा? तो ये चीन करेगा, इसको डिटेल में जानेंगे, लेकिन मालदीव के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। फिर बात करेंगे लेबनान की और जापान की। तो देखिए, चीन की बात करते हैं। देखिए, चीन करेगा डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण। चीन भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य की प्रतिमा, किसकी बनी हुई है, कांस्य की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए तैयार है। वह 1938 में दूसरे चीन जापानी युद्ध के दौरान चिकित्सा, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, के दौरान चिकित्सा सहायता के लिए चीन भेजे गए 5 भारतीय चिकित्सकों में से एक थे। समझ गए ये कौन थे? तो इसीलिए इनके हाल में एक प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। और अगर हम बात करें हमारे भारत देश की, तो देखिए, भारत में 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ होगा, मतलब ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। सो मूडीज़ ने, इन्वेस्टर्स ने, किसने लगाई है, मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि भारत 2021 तक सबसे ज़्यादा कर्ज का बोझ उठाने वाला बड़े उभरते बाजार संप्रभु देशों में से एक होगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण बड़े उभरते बाजार में सरकारी ऋण 2019 के स्तर से 2021 के अंत तक औसतन GDP के लगभग 10% अंकों तक बढ़ जाएगा। ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका में ऋण बोझ सबसे अधिक होगा। तो ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल न्यूज़ है हमारे इंडिया के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव डिपटेक। तो देखिए, डिपटेक ने डॉक्टर नेट इंक के साथ साझेदारी की है, मतलब जापान है हमारे पास अगला ऑप्शन। तो जापान से क्या न्यूज़ है, डिपटेक ने जापान के टोक्यो में मुख्यालय वाली JMDC इंक की सहायक कंपनी जापानी टेली रेडियोलॉजी कंपनी डॉक्टर नेट इंक के साथ एक रणनीति इक्विटी में साझेदारी की है। डिपटेक का मिशन AI की शक्ति का लाभ उठाकर गुणवत्ता रेडियोलॉजी सेवाओं को अधिक किफ़ायती और सुलभ बनाना है, ठीक है।
यह बहुत ही कम रेडियोलॉजी AI कंपनियों में से एक है जिसने व्यावसायिक मोड में सफलतापूर्वक अपनी तकनीकी को अपनाया है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में है लेबनान। तो लेबनान से क्या न्यूज़ है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जो लेबनान में शांति सेना को कम करने का प्रयास करता है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने उग्रवादी समूह की गतिविधियों के बारे में चिंताओं के बीच UNSC से समान मांग की थी। फ्रांस द्वारा तैयार किए गए संकल्प ने UNIFIL नामक बल के लिए फौज की सीमा को 15,000 से घटाकर 13,000 कर दिया गया। तो ये न्यूज़ है लेबनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत के किस राज्य में बिजली चोरी होने के कारण उसके समाधान के लिए नए पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। इस प्रॉब्लम को, बहुत बिजली चोरी हो रही है तो वहाँ पर नए पुलिस स्टेशन स्थापित कर दिए गए। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल से और बाकी हमारे ऑप्शंस को भी जानेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी के लगातार मामलों की समस्या के दूर करने के लिए राज्य के हर जिले में विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है और बिजली चोरी के मुद्दे से निपटने के लिए संप्रति एक पुलिस स्टेशन सभी 75 जिलों में खोला जाएगा, जिसमें से 63 ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है और सरकार ने प्रवर्तन टीमों की संख्या 33 से बढ़ाकर 88 कर दी है। तो ये न्यूज़ थी उत्तर प्रदेश से। आइए डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस को, जैसे कर्नाटक, उड़ीसा, इनको। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में है कर्नाटक। तो देखिए उत्तराखंड कर्नाटक को EBSB के तहत जोड़ा गया है। क्या है EBSB? उत्तराखंड और कर्नाटक को आपसी समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया। दोनों राज्यों ने खेल, व्यापार और संस्कृति के माध्यम से संबंध स्थापित किए और उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अपिको आंदोलन को प्रेरित किया था। तो ये हिस्ट्री से आ गया। चिपको आंदोलन का पता होना चाहिए आपको। अपिको चिपको के लिए कन्नड़ शब्द है, ठीक है। आइए फिर बात करते हैं हम उड़ीसा की। तो देखिए हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने लोक सेवा भवन में दो नए फ़ोन ऐप लॉन्च किए हैं। तो देखिए AMA शहर और स्वच्छता शहर उड़ीसा लॉन्च किए गए हैं। ऐप का नाम पता चल गया आपको। यह स्थानीय स्वशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किए गए थे और ऐप्स लॉन्च होने के साथ ही शहरी स्थानीय निकाय UL ऑनलाइन उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे जो बेहतर राजकोषीय प्रबंधक लगाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कक्षा प्रशिक्षण के लिए किसने टर्म लॉन्च किया है। तो कक्षा प्रशिक्षण है तो अब पद का आपको CBSE से रिलेटेड होगा, तो इसको डिस्कस करते हैं और हमारे ऑप्शंस को भी। देखिए CBSE ने कक्षा प्रशिक्षण के लिए टर्म लॉन्च किया है। CBSE ने विशेष रूप से कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक सक्रिय संसाधन नियम वाली टर्म लॉन्च किया है। यह बच्चों और शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए उत्पादक कक्षा प्रशिक्षण शुरू करने में मदद करेगा और नियम वाली ऐसी गतिविधियों को सुझाव देती है जो शिक्षकों द्वारा अवधारणाओं को समझाने के लिए शिक्षार्थियों के साथ की जा सकती है। शुरुआत में टर्म को विज्ञान और गणित के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो ये न्यूज़ थी कहाँ से, उड़ीसा से नहीं, ये न्यूज़ थी CBSE से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में है MV राजशेखर BEL। क्या है BEL? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने MV राजशेखर को अतिरिक्त निदेशक और R&D के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। सो इनका नाम याद रखना, ठीक है। बस फिर आ जाते हैं हमारे पास अडानी, सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादन का मालिक। तो देखिए मेरकॉम कैपिटल द्वारा विश्व सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग ने #1 वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन संपत्ति के मालिक के रूप में अदानी समूह को स्थान दिया है। इसे परिचालन, निर्माणाधीन और सौर परियोजनाओं के लिए कार्यरत श्रेणियों में रैंक किया गया है। अडानी का अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो 2019 में पूरे अमेरिकी सौर उद्योग द्वारा स्थापित कुल क्षमता से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाए। तो विश्व नारियल दिवस हाल ही में 2 सितंबर को मनाया गया है और 29 अगस्त को विश्व तेलुगु दिवस मनाया गया है।
देखिए, विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। यह 2009 के बाद एशिया प्रशांत नारियल समुदाय के तत्वाधान में मनाया जा रहा है, ताकि इस रोपण फसल के बारे में ध्यान और जागरूकता बढ़ सके। कोई भी डे किसी भी अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। भारत में नारियल उत्पादन में केरल सबसे ऊपर है, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक भी इस क्षेत्र में ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु में वार्षिक उत्पादन लगभग 2 करोड़ से 17 लाख नारियल है। ठीक है, सो आपको पता चल गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक का लॉन्च करने के लिए कौन तैयार है? तो ये है करण जौहर जी, जो हमारे मूवी के प्रोड्यूसर हैं और अभी हाल ही में नेपोटिज्म के चक्कर में बहुत ज़्यादा फेमस हो रखे हैं। इन्होंने हाल ही में बुक लिखी है, कौन सी? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ठीक है, आइए बात करते हैं हमारे ऑप्शंस को। जीएसटी राज संग्रह को, पीयूष गोयल जी को और भारतीय खगोलीय को। जीएसटी राज संग्रह से आपको इतना याद रखना है, सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 86,449 करोड़ रुपए पहुंचा है। सिर्फ इतना याद रखना है, अगस्त 2020 में सकल जीएसटी राजस्व 86,449 करोड़ रुपए है। बस इतना याद रखना, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें पीयूष गोयल की, हमारे ऑप्शन में क्यों है, तो देखिए, सप्लाई चेन और रेजिलेंस पर ऑस्ट्रेलिया भारत जापान के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, किसने? पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, सो दोबारा पढ़ लीजिए, सप्लाई चेन रेजिलेंस और रेजिलेंस पर ऑस्ट्रेलिया भारत और जापान के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, ये जिन पे हमारा क्वेश्चन था, ये करण जौहर की एक नई पुस्तक आई है, कौन सी है? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम से लॉन्च करने की तैयार है। ये बच्चों के लिए एक चित्र पुस्तक है, जो एक एकल अभिभावक के रूप में उनके अनुभवों को से प्रेरित है। पुस्तक का प्रकाशन जुगेर नोट बुक्स द्वारा किया जाएगा। 2017 में करण जौहर ने एन अनसुटेड गाय नामक अपनी आत्मकथा भी लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में अपने जीवन को उतार और चढ़ाव के बारे में बताया था। अगर बात करें भारतीय खगोलविदों की, हमारे ऑप्शन में है, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि में ब्रह्मांड के सबसे दूर की तारा आकाश गंगाओं में से एक की खोज की है। भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूरी स्थित एक आकाशगंगा दूरतम यूवी प्रकाश का पता लगाया है, और AUDFS-01 नामक आकाशगंगा की खोज डॉक्टर कनक शाह के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने की। सरकार ने 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। देश के एकीकृत कोल्ड चेन के विकास और मूल्य संवर्धन के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 परियोजनाओं के लिए अपनी मंजूरी दी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पखवाड़े तक सभी मंत्रालय द्वारा मनाए गए इवेंट का नाम क्या है? तो देखिए, स्वच्छता पखवाड़ा नाम है उस इवेंट का। हमारे जल शक्ति मंत्रालय कौन है? हमारे मिनिस्टर्स के गजेंद्र सिंह जी। तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक पखवाड़े की अवधि के साथ कार्यक्रम स्वच्छता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, स्वच्छता पखवाड़े के रूप में नामित इस कार्यक्रम को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया है? तो रानी लक्ष्मीबाई सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर झांसी होगा। अब आती है आपके लिए टेस्ट की बारी। सो टेस्ट में क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चंस कैसे हैं मैं बता देता हूँ। करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं, जो कि मतलब जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है तो उड़ीसा है, या फिर महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश है, इनसे कोई न्यूज़ हो, और इनसे ही मैं अब एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, सो ये आपके लिए टेस्ट है, इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट है, थे बैंकर तो एवरी इंडियन किस बैंक की टैगलाइन है? थे बैंकर तो एवरी बिन, ठीक है, किस बैंक की टैगलाइन है?
ताजमहल किस राज्य में स्थित है? ताजमहल किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे आंसर देंगे आप। महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र में वर्तमान के गवर्नर कौन है? आप चाहें तो जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको क्वेश्चंस के वाइज पढ़ा सकते हैं, आप वन लाइनर के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो ये है, मैं इनको आप स्लाइड्स के थ्रू दिखा देता हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, बस ये तो मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, अगर आपका मन हो तो पढ़ लीजिएगा। और इनको अलग अलग कैटेगरी में कर दिया है मैंने, जैसे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, खेल खुद के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, वैसे मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। बाकी इसमें कुछ कल के भी करंट अफेयर्स हैं जिनको मैं नहीं पढ़ा पाया था, हमारे हैशटैग स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स के कैंपेन के चक्कर में, लेकिन वो कैंपेन बहुत सही है और आप सबको उसमें कीप ऑन ट्वीटिंग, ठीक है। बेसिकली ये सारे कल और आज के मिक्स करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, और आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी ऑन दिस जर्नी, रियली थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आपको पता है अब आपको क्या करना है, ठीक है। और हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई आज, क्योंकि कल के भी करंट अफेयर्स कुछ मिक्स करने थे मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेस्ट के जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन, उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना कमेंट में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।